अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क कार्टेक्स की संरचना एवं कार्य का वर्णन करना है। प्रमस्तिष्क कार्टेक्स, आइए और देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमस्तिष्क कार्टेक्स, कार्टेक्स का अर्थ होता है छाल, कार्टेक्स का मतलब छाल होता है। जिस तरह पेड़ से छाल, पेड़ को छाल ढके रहता है, उसी तरह से दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को प्रमस्तिष्क कार्टेक्स ढके हुए रहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में करीब सभी न्यूरॉन्स का 70% न्यूरॉन्स प्रमस्तिष्क कार्टेक्स में होता है। मनुष्यों में प्रमस्तिष्क कार्टेक्स समतल न होकर कुंडलित है, अर्थात इसमें कुंडलीकरण या मरोड़पन होता है। इस तरह से कुंडलीकरण के परिणाम स्वरूप तीन तरह की संरचनाएं होती है। पहला है सुलसी, जिसका एक वचन शुक्लस है, दूसरा है फिशर और तीसरा है गायरी। कुंडलीकरण के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे खांचा को सुसली, बड़े खांचों को फिशर तथा दो सुसली या फिशर के बीच उत्पन्न उभार को हम गायरी कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में दो गहरा दरार होता है, जिन्हें रोलैंडो का की दरार कहते हैं, या केंद्रीय सुल्कस या सिलेबियस का दरार कहते हैं, या लेटरल का दरार कहा जाता है। इसके अलावा भी इनमें अन्य छोटी छोटी दरारें या खांचा प्रत्येक गोलार्ध में पाया जाता है, जिसे हम चित्र में देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि प्रमस्तिष्क कार्टेक्स की सतह का करीब 2/3 इन्हीं खांचों में छिपा हुआ रहता है। फलस्वरूप गायरी तथा सुलसी के उपस्थिति के कारण प्रमस्तिष्क कार्टेक्स का क्षेत्र 3 गुना बढ़ जाता है। कार्टेक्स का कुल सतही क्षेत्र करीब 2.5 फीट है, 2.5 स्क्वायर फीट है, और इसकी मोटाई करीब करीब 3 मिलीमीटर होती है। प्रमस्तिष्क कार्टेक्स में अधिकांशतः ग्लिया एवं कोश शरीर शाखिकाएं एवं न्यूरॉन्स के अंतर संबंधित एक्सॉन होते हैं। कार्टेक्स में चूंकि कोशिकाओं की अधिकता होती है, इसका रंग धूसर लिए भूरा दिखता है, अतः इसे धूसर पदार्थ कहा जाता है। प्रमस्तिष्क कार्टेक्स के भीतर करोड़ों एक्सॉन होते हैं, जो प्रमस्तिष्क कार्टेक्स के न्यूरॉन्स को मस्तिष्क के अन्य भागों में के न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। ऐसे एक्सॉन में माइलिन शीथ की सांद्रता अधिक होती है, अतः इस ऊतक देखने में अपारदर्शी उजला होता है, इसलिए इसे हम उजला पदार्थ कहते हैं। मनुष्यों में प्रमस्तिष्क कार्टेक्स के अधिकतर भाग में 6 परतें होती हैं। इन्हें न्यूरॉन्स के 5 परतों तथा तंतुओं का सबसे ऊपरी परत, जिसे फ्लैक्सिफॉर्म परत कहा जाता है, तथा सबसे भीतरी परत को पॉलीमॉर्फिक परत कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई आकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती है। इस परत की बहुत सारी कोशिकाएं तर्क रूप होते हैं, फलतः इसे तुर्क का परत भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। परत होते हैं 6 परत के, फ्लेक्सिफॉर्म परत, बाह्य और ग्रेनुलर परत, बाह्य पिरामिडल परत हो गया, आंतरिक ग्रेनुलर परत हो गया, आंतरिक पिरामिडल हो गया, और पैर पॉलीमॉर्फिक परत हो गया। और यहाँ पे जो है ना कार्यों का वर्णन इसके वो बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, बस आप यही समझ सकते हैं कि इसका जो कार्य होता है, जो मेन जो है ना अग्रमस्तिष्क का, वो इसी के अंदर है ना जो सूचनाएं वो भरी हुई होती है, और मेनली यही होता है।